हेलो uh, क्या आप 11th स्टैंडर्ड में हैं अभी और क्लैट एग्जामिनेशन देखने के बारे में सोच रहे हैं यह सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा नाम है प्रकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता क्लैट कि का पैटर्न होता है इट्स एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन तो अगर आप कभी भी कोई पेपर उठा के सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको जीरो मार्क्स तो नहीं आएंगे अगर आप ऑनेस्टली जीरो तो नहीं आएगा आपको कुछ ना कुछ आता ही होगा मिनिमल होती है बारिंग करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज कहीं पे भी आपका नॉलेज नहीं टेस्ट होता है बाकी सभी जगह आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है तो देर आर फाइव सेक्शन पहले वो समझ लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आपने अपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा इंग्लिश करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज जो है वो आपका एक और सेक्शन होता है जो आपकी आ, आपके नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपको कितना रिसेंट है लीगल रीजनिंग अगेन आपकी रीजनिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है फ्रॉम द लीगल परसपेक्टिव फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड फ्रॉम अ लॉ परसपेक्टिव अगेन आपको नॉलेज की यहां पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स सो क्वांट इज बेसिक मैथमेटिक्स टेंथ लेवल तक का जो आपने पढ़ा हुआ होगा लॉजिकल इज अगेन योर एप्टीट्यूड योर अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन यू गेट बेटर एट इट और हाउ कैन यू इंप्रोवाइज आर गिवन टू यू लीगल रीजनिंग अगेन आपको थोड़ा सा पढ़ना है समझना है और एप्लीकेशन करना है सो so, अगर आप देखोगे तो इट्स अ कंप्लीट एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन जहां पर आपसे बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो है वो पूछी जाती है एक एक सेक्शन को थोड़ा सा तोड़ते हैं बाइफर्केट करते हैं और समझते हैं क्या क्या पूछा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली आपकी सबसे ज्यादा जो टेस्ट होती है वो होती है आपकी कॉम्प्रिहेंशन आपकी वोकैबुलरी और बेसिक आपका ग्रामर बस यही तीन चीज को आपको टेस्ट किया जाता है नाइनटी परसेंट टेस्टिंग होती है आपके कॉम्प्रिहेंशन की फाइव परसेंट आपकी टेस्टिंग होती है ग्रामर की और पांच परसेंट आप समझ लो कि आपकी वोकेबुलरी की टेस्ट होती है सो एसेंशियली आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी वर्ड का पैसेज होगा और उसके बेसिस पे आपसे कई कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब uh, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि यार ऑथर ने क्या कहना चाह रहा है रहे हैंट वु सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज या फिर यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ रहा है समथिंग लाइक दैट ठीक है इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है uh, इस पैसेज का समरी जो है वो बताओ इन्फ्एंस निकालो कंक्लूजन निकालो कंपेयर uh, करो कॉन्ट्रास्ट करो डिफरेंसेस क्या निकल के आ रहे हैं वो सब बताओ तो ये सब समझने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंड करना आपको समझना जरूरी पड़ेगा एंड दैट विल कम अगेन क्वायर so नॉलेज आपके सामने क्वेश्चन पेपर में वो चीज दी हुई होगी इट जस्ट की आपको इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था रीडिंग कॉम्प्रीशन इंटरप्रिटेशन वो कैब्युलरियन ग्रामर आपको बस यही चीज तीन स्किल्स के ऊपर काम करना है कैसे आप इस चीज को बेटर कर सकते हो ठीक है अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पे स्टूडेंट के मन में ये आता है कि यार हाउ डू डू आई इंप्रूव इंप्रूव इन इन ऑर्डर ऑर्डर टू टू और एनीथिंग आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग जो है वो करनी पड़ेगी आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ एरियाज से जैसे पॉलिटिक्स uh, का कोई टॉपिक पढ़ना पड़ेगा uh, लॉ का कुछ पढ़ना पड़ेगा साइंस का कुछ पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का पढ़ना पड़ेगा यूल पास दो साल का समय है आपको एग्जामिनेशन जो है वो डिसंबर ऑफ ट्वेंटी फाइव में जाके लिखना है ठीक है आपके पास अभी बहुत समय है uh, तो एट दिस जंक्शन यू शुड फोकस मोर ऑन रीडिंग एक्यूरेटली कि आप सही से पढ़ो सही से कॉम्प्रिहेंड करो और उसके बाद आप उस चीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करो ओके सो फोकस ऑन योर एक्यूरेसी रादर देन स्पीड स्पीड हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे इंक्रीज कर पाओगे वो कैब्युलरी कॉम्प्रिहेंशन आपको ये सब डेली बेसिस पे करना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा एंड ग्रामर जो है आप उसको ऑल्टरनेटिवली उसके ऊपर काम कर सकते हो कुछ सोर्सेज भी चलिए आपको बता देता हूं कहां से आपको पढ़ाई करनी है कहां से आपको ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ग्रामर रन एंड मार्टिन इट्स लाइक द बाइबल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश इज इजी फॉर बिगनर्स ये दोनों किताबें जो है आप यूज कर सकते हो अपने ग्रामर के लिए वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस अगेन बहुत ही लैंडमार्क uh, किताब है हर हर एक एस्पिरेंट जो है इस किताब को रेफर करता है सो मेक श्योर दैट यू डू डू इट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रोफिशियं इन रीडिंग आइए चलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्लैट एग्जामिनेशन में पहले, पहले का जो पैटर्न है क्लैट एक्सामिनेशन का वो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे एनालिटिकल रीजनिंग से अब जो है वो पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में पहले समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एनालिटिकल रीजनिंग कुछ कुछ को उस डेटा को यूज करके आप एनालाइज करके आंसर पे पहुंचते हो क्रिटिकल रीजनिंग कैसे डिफरेंट है क्रिटिकल रीजनिंग में आपको वो डेटा सेट्स निकाल के नहीं दिया हुआ है आपको वो एक पूरे पैसेज में बना के दे दिया है एक ऑथर कुछ कहना चाह रहा है अब उसमें से आपको चुनना है ढूंढना है और निकालना है कि आप कैसे उसको सोच सकते हो जैसे एनालिटिकल रीजनिंग में मैं आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे देता हूं ठीक है कि राम इज द सन ऑफ श्याम श्याम वाइफ इज अनीता अब ये मैंने आपको एक डेटा सेट दे दिया अब आप इसमें एनालाइज क्या करोगे कि अच्छा श्याम अनीता की आ, श्याम इज अनिताज हस्बेंड मतलब अनिता इज द वाइफ ऑफ श्याम और श्याम का बेटा इज राम तो इसीलिए राम और अनिता जो है वो मदर एंड सन है ठीक है दिस इज योर एनालिसिस क्रिटिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको ये एनालिसिस करने का स्कोप नहीं रहेगा वहां पे आपको सोचना पड़ेगा यू हैव टू थिंक एज टू व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट पांच चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी टू अंडरस्टैंड कि एक गिवन सेट ऑफ आर्टिकल में गिवन सेट ऑफ पैसेज में क्रमाइज क्या होता है एस क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कंक्लूजन क्या होता है और इन्फरेंस क्या होता है अगर आप ये पांच चीजों को भी निकालना समझ गए इन पांच कॉन्सेप्ट को भी अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो 80% परसेंट ऑफ यिटिकल रीजनिंग जो है वो सॉल्व हो जाती है बहुत आराम से ठीक है सो इस चीज को जो है आपको रिलेशनशिप ड्रॉ करना सोचना कि इसको किस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं रिक्वायर्स स्किल रिक्वायर्स टाइम रिक्वायर्स अटेंशन फ्रॉम योर एंड आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पर से क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सफर करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करते हैं मेक <coughs> श्योर sure कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए

या मैंने लिख दिया मैंने कुछ कंक्लूजन दे दिया अब उस कंक्लूजन से आप क्या डिराइव कर सकते हो वो मेरा इन्फ्लेंस होगा तो यू विल हैव टू थिंक अ लॉट तो वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग में आंसर्स आपके आंखों के सामने नहीं होंगे आपको निकालने पड़ेंगे सोच के समझ के ठीक है नाउ हाउ डू यू डू इट व्हाट आर द दोर्सेस वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अगरवाल इज अ वेरी गुड बुक आप इसको रेफर कर सकते हो एंड जीमैट ऑफिशियल गाइड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो आप अगेन रेफर कर सकते हो

उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा हाँ कुछ करंट लीगल नॉलेज स्टैटिक लॉज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कहीं पे कुछ कुछ चीजें एक्चुअली हेल्प कर देती है अगर आप थोड़ा प्री रिक्विजिट पढ़ के जाओ ना लॉ ऑफ टॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस तो जो प्रिंसिपल एंड पैसेजेस दिए होते हैं ना जैसे मान लो आपको एक पैसेज दिया हुआ है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेलमेंट अब ये एक स्टूडेंट के लिए कंप्लीटली नया है कि यार बेलमेंट क्या होता है लेकिन अगर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हुए हो तो आपको बेलमेंट के बारे में सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तो पता होगा तो आपके लिए वो वो प्रिंसिपल को डिसाइफर करना थोड़ा इजी हो जाएगा हो सकता है है कि आपको लगे यार तो आता है, एक काम करता करता ही लगाना शुरू देखते हैं हैं। पांच में कितने लगते प्री रीड वॉट आर दोर्सेस आप द वायर फॉलो कर सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन जो होता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर का आप उसको रेफर कर सकते हो एंड यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपके लीगल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अब आते हैं एक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन काफी मैथमेटिक्स uh, देखो मैथमेटिक्स पर से बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिया जाएगा आपको डेटा सेट्स दिए होंगे और आपको उसमें कैलकुलेशन करना है

लेकिन अगर आपको टॉप एन एल यूज जाना है तो आप इस सेक्शन को आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते of mathematics है, वो करना है तो अभी से अगर आप उसके ऊपर लग जाते हो अभी से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना शुरू करते हो इन बेसिक टॉपिक्स को डेली बेसिस पे आप कुछ टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस उठा लो 10-15 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे सॉल्व करो

इसका कोई एंड नहीं है इसका कोई स्टार्ट नहीं है वो कहीं से भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं ठीक है मेकिंग इट टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सेक्शन बट विच इज द मोस्ट स्कोरिंग अगर आप सही चीज पढ़ गए आपको सही तरीके से पढ़ना आ गया तो आप इसमें सबसे ज्यादा नंबर भी स्कोर कर सकते हो और सबसे कम टाइम में अराउंड 25 परसेंट का वेटेज होता है करंट अफेयर्स जीके का और बहुत जल्दी क्योंकि आपका या तो आता है या तो नहीं आता है इसमें कुछ सोचने का दिमाग लगाने का है नहीं इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कि आपको कितना रिटेंशन है आपको कितना याद है कुछ कंटेम्पररी uh, इवेंट्स और करंट अफेयर्स चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का वर्ल्ड का आर्ट एंड कल्चर का इंटरनेशनल अफेयर्स हिस्टोरिकल इवेंट्स जो अभी भी रेलेवेंट है इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी आपसे पूछे जाएंगे बेस्ट प्लेस जहां से आप इसको पढ़ सकते हो इस न्यूज पेपर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट को आप रेगुलरली फॉलो करते रहो lucent की जनरल नॉलेज फॉर स्टैटिक जीके जो है आप उसे फॉलो करते रहो क्लैट पोस्ट जो टॉप रैंकर्स लीगल एज की एक मंथली डाइजेस्ट बुक आती है आप उसको फॉलो करो आपको सब कुछ जो है उसके अकॉर्डिंगली क्लियर हो जाएगा अच्छा करंट अफेयर्स जीके में एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए इज कि आ, अगर आप यह देखोगे तो लास्ट वन ईयर का जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंसिडरिंगे आप, आप 6 लिखोगे आप हजार 2025 में एग्जामिनेशन लिखोगे तो क्या यू शुड बी अटेम्प्टिंग दैट और यू शुड बी रीडिंग करंट अफेयर्स राइट नाउ आइडियली ठीक है अगर आपके पास बैंडवेथ नहीं है आप बाकी चार सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लो अलोंग विथ इलेवेंथ ग्रेड लेकिन मेरा सजेशन ये हमेशा आपको रहेगा

उन टॉपिक्स के बारे में आप जाके और पढ़ रहे हो जान रहे हो जीके को करने का एक बहुत सिंपल सा आपको और तरीका बता देता हूं इसमें इवेंट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एच फैमिली के पांच सवाल के पांच क्वेश्चन अगर आप अपने से पूछते हो इवेंट पढ़ के आपको मोर और लेस वो ब्रांचिंग आउट समझ में आ जाता है कि कहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं स्लोली तो और चाहिए ऑन डेली बेसिस न्यूज पढ़ो हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स जो होते हैं उनको कवर करो उससे आपकी वोकैबुलरी जो है वो काफी बिल्ड होते जाएगी अपनी क्लासेस जो है उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करो कोई भी मेक श्योर sure कि कोई बैकलॉग ना रहे एक किसी सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो पांच दिन हफ्ते में आपके पांच सब्जेक्ट है हर दिन किसी एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करो और उसको प्रैक्टिस करते रहो एंड डाइवर्सिफाइड रीडिंग जो है वो एन आवर से फोर्टी फाइव मिनट्स की आपकी होनी चाहिए कुछ वेबसाइट्स लाइक ए ऑन रीडर्स रीडर्स डाइजेस्ट इकोनॉमिस्ट वॉलरस साइटेक डेली ये सब कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप जाके पढ़ सकते हो रीडिंग uh, जो है अपनी डाइवर्सिफाइड कर सकते हो वीकली हर संडे को मॉक लिखो सेंटर पे जाओ मॉक लिखो और उनको एनालाइज करो अपने गलतियों का एक नोट uh, बनाओ एनालिसिस करो कि डिड आई मेक द मिस्टेक्स मुझसे गलतियां हुई कहां उन गलतियों के ऊपर आपको काम करना नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दिन दिन में में एक वीक में एक वीक कोई दिन रखो जहां पे आप थोड़ा सा स्टैटिक जीके जो है उसको भी पढ़ोगे थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दोगे एक महीने में क्या करना चाहिए मेक श्योर sure कि कोई बैकलॉग नहीं है अगर बैकलॉग कहीं पे क्रिएट हो रहा है उसको उसी मंथ में

इस मंथ के स्टार्टिंग में मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में आई स्कोरिंग ट्वेल्व अभी मेरा स्कोर बढ़ के थर्टीन फोर्टीन के अराउंड जा रहा है तो एक मैक्रो एनालिसिस करो कि ठीक है यार मेरा स्कोर बढ़ रहा है मेरे को और क्या करना है इसको और फोर्टीन से सिक्सटीन लेके जाने के लिए अब मैं उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ काम करूंगा सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड विथ जो हार्डवर्क इज गोइंग टू बी द की ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है क्लाट ट्वेंटी एग्जाम लिखना है तो बहुत समय वो समय कैसे उड़ के निकल जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेक श्योर की इट्स हैबिट दैट यू बिल्ड अक्रॉस अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम करने का इट्स अ प्रोसेस करते रहो करते रहो करते रहो एक लॉन्ग टर्म गोल है जो आपने सोचा है कि मेरे को क्लैट एग्जामिनेशन क्रैक करना है उसके लिए लगे रहो ठीक है बहुत मल्टीपल पे रिलाय करके कंफ्यूज मत हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन होगा और एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना अपने प्रेपरेशन का अपने मॉक्स का अपने स्टडीज का एनालिसिस करते रहो कि मैं मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा बिफोर आई वाइंड अप मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हो किसी बैचेस में आप, आपको एंड आपको तैयारी करनी है हमारे पास तीन तरीके के बैच होते हैं

उनके पास थोड़ा लंबा समय होता है जिन्होंने थोड़ा जल्दी डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्लैट एग्जामिनेशन करना है मुझे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना है सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ब्रैकेट में यहां आते हैं यू कैन चूज अ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो अपने क्लैट प्रेपरेशन की अपने क्लैट जर्नी की अ वेरी वेरी गुड वेंटेज पॉइंट वुड बी टू अटेंड ऑल इंडिया ओपन मॉक जो ट्वेंटी थर्ड जून को दो बजे से चार बजे के बीच में होने वाला है संडे को इसका मोड जो है वो ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन होगा आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो आपको उसका रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे मल्टीपल सेंटर्स हैं अगर आप इन शहरों में रहते हो आ, आ, तो आप डेफिनेटली जो है सेंटर पे जाइए और जाके लिखिए क्योंकि आपको क्लैट एग्जामिनेशन के दिन किस टाइप का एटमोस्फेयर मिलेगा वो आपको पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां कहा स्टैंड कर रहे हो वट इज योर रैंक आपको वो पता चलेगा आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले उसकी फीलिंग जो है वो समझ में आएगी तो अगर आप भोपाल इंदौर जबलपुर भिलाई रायपुर कोलकाता प्रयागराज पटना लखनऊ जबलपुर चंडीगढ़ मुंबई दिल्ली, रांची आप इनमें किसी भी शहरों में हो ग्वालियर में हो कानपुर में हो आप इन किसी भी शहर में रह रहे हो तो यहाँ पे हमारे टॉप रैंकर्स के सेंटर्स से, हैं आप इनमें जा सकते हैं और इस टेस्ट को लिख सकते हैं और एक्चुअली फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन होता कैसा है सो मेक श्योर की आप ट्वेंटी थर्ड जून टू टू फोर पी एम ऑल इंडिया ओपन मॉक डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अटेम्प्ट करें ठीक है सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो वेरी मच इट वॉज आई होप कि यह सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा कुछ की टेक होंगे मेक श्योर sure कि जो सोर्सेज के बारे में मैंने बताया है और किस तरीके से हमें अपने प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन आई विल सी यू ऑल सून